हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। मैं फ्रेंड्स आपको बताने जा रहा हूँ कि ये मेरे पास जो माउथ ऑर्गन है मेरे हाथ में, क्यों इसे बिगनर्स के लिए, इंटरमीडिएट प्लेयर्स लोग के लिए, एडवांस प्लेयर्स लोग के लिए, और मैं तो कहूँगा कि प्रोफेशनल प्लेयर्स लोग के लिए भी ये बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन माना जाता है, बहुत ही पॉपुलर माउथ ऑर्गन माना जाता है। इसमें कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं, कौन सी क्वालिटीज़ हैं इसमें जिसके कारण यह माउथ ऑर्गन इतना लोकप्रिय है, इतना पॉपुलर है, ठीक है? तो मैं आज आपको इस माउथ ऑर्गन के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसकी खूबियाँ और क्वालिटीज़। तो शुरू करने पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो मैं मेडिसिन बताता हूँ आप तक पहुँचता रहे, आप अच्छे माउथ ऑर्गन प्लेयर बने, खुश रहें, ठीक है? तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये है सुजुकी का सॉन्ग स्टार, ठीक है? सी स्केल में ये ऑर्गन है, क्रोमेटिक माउथ ऑर्गन, ठीक है, सुजुकी सॉन्गस्टार। क्यों इसे मैं मानता हूँ कि बिगनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस प्लेयर और प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन है और बहुत ही पॉपुलर माउथ ऑर्गन है। फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ एक नंबर। पहले तो फ्रेंड्स, आपको क्रोमेटिक माउथ ऑर्गन बहुत मिलेंगे, जो कि 10 होल्स के मिलेंगे आपको, 12 होल्स के मिलेंगे, 16 होल्स के मिलेंगे, या हो सकता है 20 होल्स के मिल जाएं। लेकिन 24 होल्स का, 24 होल्स का क्रोमेटिक यानी कि स्केल चेंजर माउथ ऑर्गन फ्रेंड्स, आपको सुजुकी सॉन्गस्टार के अलावा और कोई माउथ ऑर्गन नहीं मिलेगा। तो ये इसका पहला यूनिकनेस है फ्रेंड्स, ठीक है? एक और एक कंपनी है, टावर कंपनी है, क्योंकि फ्रेंड्स वो तो चाइनीज कंपनी है, बहुत उसकी क्वालिटी बहुत ही लो है कंपेरिजन में, कंपेयर टू सुजुकी उसकी क्वालिटी लो है। और उस प्राइस रेंज में अगर देखें तो ठीक है, टावर माउथ ऑर्गन अच्छा है, लेकिन अगर आप क्वालिटी से कंपेयर करेंगे सुजुकी से तो वह लो है। तो फ्रेंड्स, क्रोमेटिक माउथ ऑर्गन 24 होल्स का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये इसका यूनिकनेस है, इतने अच्छे क्वालिटी का 24 होल्स का, ठीक है? तो 24 होल्स का क्यों मैं अच्छा मानता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसका रेंज बढ़ जाता है, जितने होल्स होते हैं फ्रेंड्स उसका रेंज बढ़ जाता है। इसमें देखिए, कंप्लीट 3 ऑक्टेव आपको मिल रहा है, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव। तो मतलब ये कंप्लीट माउथ ऑर्गन, इसमें हर एक तरह के नोट्स, कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई भी गाना आप इसमें बजा सकते हैं, ठीक है? तो पहला ये क्वालिटी है फ्रेंड्स, क्रोमेटिक माउथ ऑर्गन विद 24 होल्स, ये इसका यूनिकनेस है। सेकंड क्वालिटी जो है, कोई भी क्रोमेटिक हार्मोनिका में फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि आपका ये जो लीवर है, ये जो स्लाइडर है, ये कितना स्मूथ है। ये जितना स्मूथ होगा उतना ही आपको बजाने में आपको फ्लुएंसी आएगी। अचानक आपको नोट चेंज करना है, स्केल चेंज करना है, आपको कोमल नोट लाना है, तो ये तुरंत आपको दबाना है। तो ये जितना जल्दी मूव होगा, जितना स्मूथली मूव होगा, उतना स्मूथली आपका गाना भी, आपने मतलब एक नोट से आप दूसरे नोट पे मूव कर पाएंगे, तो आपका गाना भी उतना बढ़िया होगा, बजाना भी उतना अच्छा होगा। तो इसका ये फ्रेंड्स बहुत स्मूथ है, मैंने बहुत सारे माउथ ऑर्गन देखे हैं, लेकिन इतना स्मूथ स्लाइडर फ्रेंड्स मैंने बस सुजुकी सॉन्गस्टार का देखा है, ठीक है? तो ये इसकी सेकेंड क्वालिटी है, इसका लीवर जो है, इसका स्लाइडर है, बहुत स्मूथ है, बहुत ही स्मूथली काम करता है। थर्ड फ्रेंड्स, इसका ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही हल्का है। मैंने क्रोमेटिक हार्मोनिका देखा है, बहुत बड़े बड़े कंपनी का, वो बहुत भारी होते हैं फ्रेंड्स। अगर भारी होता है तो आपको पकड़ने में दिक्कत होती है, एक हैवीनेस आपको महसूस होती है, और जितना लाइट होगा माउथ ऑर्गन उतना आपको कंफर्ट फील होगा, ठीक है? तो ये देखिए, इतना बड़ा माउथ ऑर्गन है फ्रेंड्स, इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन इसकी जो वेट है ये बहुत ही हल्का है, बहुत ही कंफर्टेबली आपके हाथ में बैठता है, ठीक है? तो इसका जो लाइट वेट है ये इसका थर्ड क्वालिटी है। फोर्थ, ये जो माउथ पीस होता है फ्रेंड्स, सामने का जो पोर्शन होता है, क्योंकि यही पोर्शन आपके होठों के बीच में रहता है या मुंह के अंदर जाता है, तो ये जितना बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, ठीक है? इसका जो थिकनेस होगा, अगर एकदम होठ के हिसाब से या मुंह के हिसाब से अगर फिट बैठता है फ्रेंड्स, तो माउथ ऑर्गन बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसका जो फ्रेंड्स ये जो थिकनेस है, एकदम मैं कहूँगा एकदम अप्रोप्रिएट थिकनेस है, जितना होना चाहिए, न ज़्यादा न मोटा, एकदम ये अंदर से दोनों होठ के अंदर बैठता है और बहुत ही स्मूथली स्लाइड होता है। इसका स्मूथनेस फ्रेंड्स, माउथ पीस का जो स्मूथनेस है और माउथ पीस का जो थिकनेस है, वो फ्रेंड्स एकदम यूनिक है, वो एकदम अप्रोप्रिएट है, एकदम जितना होना चाहिए उतना है। ये इसका फोर्थ क्वालिटी है। फिफ्थ क्वालिटी, कोई भी माउथ ऑर्गन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर होना चाहिए फ्रेंड्स, वो होता है उसका एयर टाइटनेस।
एयर टाइटनेस मतलब आप जितना फूक रहे हैं, आप जितना हवा अंदर डाल रहे हैं, वो पूरी हवा अंदर जाके वो रीड्स के अंदर जाके वो काम कर रही है कि नहीं, या आप जितना खींच रहे हैं पूरी 100% हवा, आप जितना खींच रहे हैं पूरी 100% हवा रीड्स के अंदर जाके उसमें आवाज़ पैदा कर रही है कि नहीं, इसको एयर टाइटनेस कहते हैं। आप फूक रहे हैं 100% लेकिन बस आपका 50% उसमें हवा जा रहा है, तो 50% हवा आपका जो फूक रहे हैं वो बेकार हो जा रहा है, तो वो माउथ ऑर्गन अच्छा नहीं होता है। तो एयर टाइटनेस बहुत ही अच्छी क्वालिटी है होती है माउथ ऑर्गन की। तो इसका एयर टाइटनेस फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एयर टाइटनेस है। आप जितना फूकते हैं पूरी हवा अंदर जाती है और रिड्स में जाके काम करती है, जितनी आप खींचते हैं तो उतनी हवा जाती है और रिड्स में काम करती है। तो इससे क्या होता है, आपका दम आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ब्रेथलेसनेस जो सिचुएशन आता है वो इसमें नहीं आता है फ्रेंड्स। आप कोई भी गाना बहुत कंफर्टेबली बजा सकेंगे क्योंकि आपको दम ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जितने एयर टाइटनेस अच्छा है तो आपका जो दम है वो आपको ज़्यादा मिलेगा और आप ज़्यादा देर तक माउथ ऑर्गन बजा पाएंगे। और जहाँ पे खींचना होता है या फिर हाई से लो आना होता है वहाँ आपको काफ़ी दम मिलेगी, सांसें मिलेंगी आपको माउथ ऑर्गन बजाने के लिए, ठीक है। अगर एयर टाइटनेस नहीं होता है तो वो माउथ ऑर्गन फ्रेंड्स उसमें आपके सांसें आपको उतने दम नहीं मिलेगा बजाने के लिए, ठीक है। तो ये इसका फिफ्थ क्वालिटी है। सिक्स क्वालिटी है फ्रेंड्स इसका लुक्स। लुक्स बहुत अच्छा है, देखिए ऊपर से कितना ये स्टील प्लेटेड है, इसका जो कोम्ब है वो भी बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। साइड देखिए तो इसका लुक्स भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा है। आप माउथ ऑर्गन बजाते हैं अगर लुक्स अच्छा होता है तो एक अच्छी फीलिंग आती है, तो इसका लुक्स फ्रेंड्स बहुत अच्छा है। सेवन जो क्वालिटी इसका फ्रेंड्स है, कोई भी क्रोमेटिक हारमोनिका में जिसमें लीवर होता है उसमें क्या होता है, अंदर से एक जहाँ रीड्स होते हैं फ्रेंड्स वहाँ एक लीवर लीड्स जहाँ पे ये लीवर काम करता है फ्रेंड्स, ये लीवर या स्लाइडर, ठीक है। तो अंदर भी एक लीवर का एक फंक्शन होता है। तो ज़्यादातर क्रोमेटिक माउथ ऑर्गन में ऑनर के जो कंपनीज के माउथ ऑर्गन होते हैं उसमें वह लीवर होता है। तो अगर लीवर होता है तो उसमें मेंटेनेंस फ्रेंड्स ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो लीवर बीच में आपको मेंटेनेंस के लिए देना पड़ेगा, वो कभी कभी ख़राब हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए। लेकिन इसमें फ्रेंड्स अंदर कोई लीवर नहीं है, सुजुकी सॉन्गस्टार में अंदर कोई लीवर नहीं है, इसीलिए इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है। आपको ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस में खर्चा भी नहीं है, आपको ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये एकदम हैसल फ्री माउथ ऑर्गन है फ्रेंड्स, एकदम यूनिक माउथ ऑर्गन है जो कि बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो फ्रेंड्स ये सब क्वालिटीज़ हैं। अगर आपका और प्राइस फ्री लास्ट फ्रेंड्स आठ नंबर, मैं भूलने के पहले मैं आपको बता दूँ इसका प्राइस कंपेयर टू अदर क्रोमेटिक ब्रांडेड हारमोनिका ये बहुत ही रिजनेबल है। ये आपको 5000 के आसपास मिल जाता है, जबकि और ब्रांडेड कंपनी के बड़े जो माउथ ऑर्गन कंपनीज हैं वो इसी क्वालिटी में अगर लेना चाहेंगे तो आपको 10000 के नीचे नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 5000 में एक कंप्लीट माउथ ऑर्गन विथ स्लाइडर, स्मूथनेस, एयर टाइटनेस, फिनिशिंग, इतनी अच्छी लुक्स, 24 होल्स, ये एकदम कंप्लीट माउथ ऑर्गन है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। तो ये सब खूबियाँ इस माउथ ऑर्गन को बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन बनाती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स ये वीडियो मुझे बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी मैं लेसन बनाता हूँ आप तक पहुँचता रहे, आप अच्छे माउथ ऑर्गन प्लेयर बने खुश रहें, ठीक है। टिल द नेक्स्ट लेसन, बाय बाय।